नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। वक्त है रात का रिपोर्टर का, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं सिरसा की, जहां सिरसा की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक रहे, बढ़ते कोहरे के चलते होने वाले हादसों में कमी लाई जाए, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसी का जायजा लेने के लिए सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन रात में सड़कों पर उतरे। इसी दौरान हमारे संवाददाता विजय कुमार ने उनसे खास बातचीत की है, आप भी देखिए। सिरसा में ट्रैफिक को मैनेज के लिए खुद डॉक्टर अर्पित जैन, जो सिरसा के एसपी हैं, खुद निकले हैं और पूरी टीम के साथ ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जुटे हैं। सर, ट्रैफिक को लेकर काफी समस्या आती है कि लोग यातायात के नियमों का पालन भी नहीं करते और ट्रैफिक को एक मैनेज करना हमेशा पुलिस के लिए चुनौती रही थी, कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं और डॉक्टर तलवार सर हैं, ही इज़ अ वेरी एमिनेंट सिटीजन ऑफ सिरसा और हमारे एसएचओ ट्रैफिक, तो तीनों ने गाड़ी से और पैदल चल के यहाँ पे देखा कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक इशू हो रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। तो कुछ कॉमन जो प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पे दिखी हैं, वो एक तो ये है कि लोग पार्किंग सही नहीं करते हैं, जैसे रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी, जबकि जगह है तब भी लोग वहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा जो कट हैं वो वहाँ से यू टर्न ना लेके रॉन्ग साइड जाके और गाड़ी चलाते हैं, साथ ही सीट बेल्ट हो गया या हेलमेट हो गया उसकी वो लोग पालना नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ जगह अंधे मोड़ हैं जो भी हमने देखे कि वहाँ पे भी जैसे कि एक बड़ा मिरर लग सकता है, कुछ जो ट्रैफिक लाइट्स बंद पड़ी हैं उनको भी ये है कि आगे चालू होने की आवश्यकता है। साथ ही अभी धुंध का मौसम आ रहा है तो उसमें एक तो ट्रैफिक लाइट्स हो गई और लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं, तो ये कुछ कॉमन इशूज़ जो हैं समझ में आए हैं। और हर रोड के कुछ अलग अलग स्पेसिफिक इशू हैं, जैसे डबवाली रोड पे हॉस्पिटल्स हैं तो लोगों को हमेशा जल्दी रहती है, तो वो सामने अपनी कोशिश करते हैं कि अस्पताल के आसपास ही गाड़ी रखें ताकि इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो चाहे वो जल्दी से जा सकें, तो ये इशू है। मार्केट में कई लोग हैं, उनको कुछ खाना पीना खाना है तो वो वहीं बीच रोड पर खड़ी कर देते हैं, तो ये कुछ कुछ इशू समझ में आए हैं। और अगले एक दो दिन में हम जो मार्केट कमेटी है या हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी मीटिंग बुलाएंगे और उनसे ये विषय हम उनके सामने रखेंगे कि इसका क्या समाधान है, तो उनके उनकी भी हम लोग राय लेंगे और हम नागरिकों से भी कंटिन्यूसली फीडबैक ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और सर भी इसीलिए आज हमारे साथ आए थे कि क्योंकि सर को पूरा एरिया मालूम है, वो काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, तो सर का भी हमको फीडबैक काफ़ी अच्छा मिल गया है। तो सारे सिटीजन्स को, सारे एसोसिएशंस को लेके हमारा ये है कि हम ऐसा एक समाधान निकालें जिससे कोई भी आम नागरिक परेशान ना हो और जो सबको एक्सेप्टेबल भी हो, और जो नियम कानून तोड़ने वाले हैं या जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं या जिनके कारण जाम लग रहे हैं, जो गड़बड़ करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और उनके चालान हो, उनकी गाड़ियां इम्पाउंड हो। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के आज ही हमने एक एक्सरसाइज की है, पहले भी एक दो बार हम लोग कर चुके हैं, तो अगले दो तीन दिन में सबको लेके एक अच्छा हम ट्रैफिक प्लान बनाएंगे शहर का। सर, सर्दी का सीजन है और कोहरा भी काफ़ी होता है, अमूमन ये देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं 9 से 5 तक ड्यूटी देते हैं, तो उसके बाद नहीं होते या सुबह अल सुबह नहीं होते, तो इसको सुधार के लिए क्या प्रयास करें? नहीं, इसमें हम प्रॉपर रोस्टर बनाएंगे कि सारे टाइम जो है पुलिस के मुलाजिम, ट्रैफिक के मुलाजिम हैं, वो ट्रैफिक को रेगुलेट करें, तो वो हम देख लेते हैं, हम सबका ड्यूटी आवर्स जो है फिक्स करेंगे ताकि वो भी कंफर्टेबली ड्यूटी कर पाएँ और हमारे जो सिरसा ज़िले के नागरिक हैं उनको भी परेशानी ना हो। अब फोग का समय है तो ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगे, कैसे यातायात के नियमों की पालना करें? मैं लोगों से ये बोलूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण रोल कोई भी एक्सीडेंट को रोकने का, कोई भी मिसहैपनिंग को रोकने का आपका है, कि एक तो आप गाड़ी स्लो चलाएं, अपनी लाइट्स हैं उनको ऑन करके चलाएं आगे पीछे से, और सीट बेल्ट पहने अच्छे से, और एंटी फॉगिंग वो भी होते हैं गाड़ी में जो मशीन्स होती हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है केयरफुल ड्राइविंग करना है, क्योंकि अगर आप स्लो हैं, आपके कंट्रोल में गाड़ी है, तो अगर सामने वाला भी कोई गड़बड़ करता है तो आप उतने में आपके रिफ्लेक्स होते हैं कि आप उसको ठीक कर पाएंगे अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आपका है। बाकी हम लोग रिफ्लेक्टर्स हो गए जहाँ पे मोड़ है या जहाँ ऐसी जगह जो एक्सीडेंट प्रोन रही हैं पिछले सालों में, तो वहाँ हम काम करवा रहे हैं। कई जगह ऐसा है कि वहाँ झाड़ियाँ उग गई हैं या पेड़ों का ब्रांचेस हो गई, तो वो हमने कई अभी डबवाली रोड पे करवाए भी हैं, उनकी प्रूनिंग करवाई है थोड़ी सी साफ की, ताकि विजिबिलिटी पूरी रहे। बाकी जहाँ जहाँ के जो जो इशूज़ आते हैं लोग भी हमको इसमें फीडबैक देते रहते हैं, तो उस पर हम लोग काम करेंगे, बट सबसे महत्वपूर्ण रोल जो ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उनका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अर्पित जैन, जो सिरसा के एसपी हैं, अपनी टीम के साथ आज ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भिवानी की,
जहां सर्दी अब धीरे धीरे अपना सितम ढाने लगी है। बढ़ती ठंड के चलते शरीर में कंपन भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अलाव लोगों के लिए एक बड़ा सहारा होता है। लोग किस तरह इस बढ़ती ठंड में अपनी रात बिता रहे हैं, साथ ही सरकार से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, इसी का जायजा लिया है भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा ने। आप भी देखिए। हरियाणा में इन दिनों सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है, लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि सर्दी इन दिनों ज्यादा पड़ रही है क्योंकि हिल स्टेशनों पर बर्फबारी हुई है, काफी परेशानियां इन दिनों हो रही है। उनका कहना है कि रजाइयों में भी सर्दी नहीं जाए तो उन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भिवानी के अंदर फिलहाल लोग अलाव का सहारा लेकर के सर्दी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर्दी ज्यादा होने के कारण काफी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। इवन लोगों से भी पूछ लेंगे, इनसे भी बातचीत कर लेंगे, पूछ लेंगे कि सर्दी कितनी ज्यादा है, कितनी परेशानियों का सामना इन लोगों को फिलहाल जो है करना पड़ रहा है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि हालांकि रात का मौसम है, फिलहाल रात के समय में ये लोग अलाव सेक करके अपनी सर्दी दूर कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप, सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है और आप लोग अलाव सेक करके अलाव का सहारा ले रहे हैं? सर सर्दी तो पिछले 4-5 रोज से ज्यादा पड़ी रही है और सर्दी हर साल दिसंबर में इन दिनों आई जाती है, लेकिन जो 3-4 दिन पहले ये स्नोफॉल हुई हिल एरिया में, तो ये प्लेन एरिया में उसका प्रकोप ज्यादा बढ़ा है। और इससे सर्दी के फायदे भी हैं फसल में, जैसे कि गेहूं की फसल है उसमें कटाव ज़्यादा होता है, इसके लिए तो रामबाण है किस्म से ये संजीवनी बूटी है। और दूसरी तरफ इससे बीमार भी हो रहे हैं, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दमे की समस्या बढ़ रही है, वायरल बुखार का प्रकोप है और सर्दी काफ़ी बढ़ रही है, ये नेचुरल है। बिल्कुल सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, हालांकि कृषि वैज्ञानिकों ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि मौसम में काफ़ी आर्द्रता है, काफ़ी सर्दी इन दिनों है, धुंध भी सुबह सवेरे अब पड़ने लगी है, लोग जो है अलाव का सहारा लेकर के सर्दी दूर कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, इस प्रकार से अलाव का सहारा आप लोग ले रहे हैं सर्दी दूर लगाने के लिए, क्या कहेंगे आप? ऐसा है क्योंकि 4-5 दिन सर्दी है बहुत ज़्यादा पड़ी है, हवा भी चल रही है और धुंध भी आ रही है, जैसे जैसे छोटे बच्चों में इस ठंड से बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने का डर है, खांसी जुकाम होने का भी डर है। और जो स्कूल हैं जो डबल शिफ्ट में सरकार चला रही है, इन स्कूलों में भी बच्चों का टाइम बदलना चाहिए, जैसे कि अब एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उस ओमिक्रॉन के कारण भी पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं भय है, जिससे कि बच्चों की सावधानी और उनको सुरक्षित महसूस करवाया जाए, जिससे कि इन बच्चे अपने ठीक टाइम से स्कूल जाए, स्कूल में भी थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार से लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को चाहिए कि स्कूलों के समय में भी तब्दीली करें, क्योंकि आजकल समय जो है वो 8:30 का है, जो कि सर्दी ज़्यादा होने के कारण बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से अलाव का सहारा आप लोग ले रहे हैं, हालांकि रजाई से भी सर्दी नहीं जा रही है, इन्हें काफ़ी सर्दी पड़ रही है, हालांकि मौसम में बेशक से सर्दी जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन आम लोग अभी भी ठंड महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? 2-3 दिन से तो दिन का टेम्परेचर भी बहुत डाउन आ गया है, सर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, ये घातक भी है और अच्छी भी है, फसल के लिए तो अच्छा है लेकिन बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो बहुत ही घातक है, क्योंकि छोटे बच्चे मानते नहीं इसमें और वो बार बार में खेलने निकल जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो हम कहते हैं सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे हमारा पशु हैं वो भी बीमार ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनके लिए भी कोई ना कोई गौशाला वगैरह की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, और बच्चों के स्कूल टाइम है उसको भी चेंज करना चाहिए ताकि बच्चे टाइम से जाएं और टाइम से उठ पाएं, अब वक्त तो उठते हैं उनके लिए समस्या आएगी। यह बिल्कुल लोगों का शासन से कहना है कि काफ़ी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा होने के कारण तो जो है बच्चे और बुज़ुर्ग काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं, हालाँकि नेचर की बात है, सरकार भी जिस प्रकार से पहले जो है रेन बसेरे के साथ साथ चौकों के ऊपर भी जब टेम्परेचर डाउन होता था तो अलाव जलवाया करते थे, ताकि जो लोग बेघर हैं वो अलाव के सहारे जीवित रह सके, उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सरकार को चाहिए अभी भी अलाव जलवाए चौकों के ऊपर, तो जो लोग बेघर हैं वो उस अलाव के सहारे जीवित रह सके। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुखर्जी। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।